बिलारी हाथीपुर बहुद्दीन स्थित SBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से आंखों की सुरक्षा कैसे की जाए, बच्चों ने पोस्टर का जरिए बताया। प्रतियोगिता में कक्षा 6, 7, 8, 9 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों ने आंखों की सुरक्षा के संबंध में अपने पोस्टर के माध्यम से बताया कि किस तरीके से हम अपनी आंखों की सुरक्षा कर सकते हैं, नेत्रों के लिए संतुलित भोजन किस तरीके से हम ले सकते हैं, क्या क्या सावधानियां करके हम अपने नेत्रों को सुरक्षित कर सकते हैं। कक्षा 6 से समरीन, शैला, साहिल, प्रियांश चौधरी, कक्षा 7 से नजालिया, अमन, लक्ष्मण, अरिवा, कक्षा 8 से मानवी, महिमा, वाहिनी, पूर्वी एवं कक्षा 9 से आशीष, प्रतिष्ठा एवं अंशिका ने पोस्टर बनाए। प्रतियोगिता के बाद सुंदर चित्र बनाने के लिए साहिल, नजालिया, महिमा, मानवी, इशिका को पुरस्कृत किया गया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलराना सिद्दीकी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी। आज SBS स्कूल में CL गुप्ता इंस्टीट्यूट द्वारा बच्चों को कॉम्पिटिशन कराया गया वेरियस टॉपिक्स पे, कि आंखों के बारे में उनको बताया, बच्चों से कुछ पोस्टर बनवाए हैं। बच्चों को 4 ग्रुपों में बांटा था। 5th क्लास 5 के बच्चे थे, उसमें क्लास 6 के बच्चे हैं, 7th के बच्चे हैं, 8th के और 9th के। इन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी थी, उसमें बच्चों 2 बच्चों को एम्बेसडर बनाया था। वो बच्चे जो हैं हमारे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, वो होस्ट उनको बनाया आज के दिन। तो बच्चे होस्ट होने के वजह से बच्चों को जो हमारे काम कर रहे हैं उनका देख रहे हैं कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो कहीं प्रॉब्लम तो उनको हेल्प कर रहे हैं। और इस तरह के कॉम्पिटिशन से बच्चों में करवाने से बच्चों में कॉम्पिटिशन की स्पीड बढ़ती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता है और उनके जो डेवलपमेंट आता है वो बहुत अच्छा होता है। उसके लिए बच्चों को कुछ सीखने के नया मिलता है। मैं CL गुप्ता से आए हुए सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद देती हूँ और उनको आशा करती हूँ कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह के वो अपने कार्यक्रम करवाते रहेंगे।